अपने तमाम नाज़रीन को और सामईन को, चाहे वो किसी एज ग्रुप के हों, हम ये बताना चाहते हैं, भाई आप नाराज़ ना हो जाइएगा, दीन ने मज़हब की शक्ल इख्तियार कर ली है। मज़हब का लफ्ज़ कुरान में कहीं नहीं आया है, समझ रहे बेटा, मज़हब हमें कुरान याद है, मज़हब का लफ्ज़ कुरान में कहीं आया ही नहीं है। कुरान ने मज़हब के बजाय दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। दीन का ताल्लुक़ है संस्कार से, दीन का ताल्लुक़ है अखलाक से, दीन का किरदार है किरदार से, समझ रहे बेटा। रस्म और दीन में फ़र्क यह है कि आप कोई काम दीनी अंजाम दें और आपका कैरेक्टर चेंज ना हो, समझ लीजिए रस्म है, और अगर फौरन आपके कैरेक्टर पर थोड़ा बहुत असर पड़ जाए तो समझ लीजिए दीन है। ये हमारी सबसे बड़ी मुसीबत हो गई है। हम नमाज़ पढ़ते हैं मगर नमाज़ का असर हमारे को, इसका मतलब नमाज रस्म हो गई। रोज़ा रखते हैं, रोज़े का असर हमारे करते हैं। भाई कुरान ने खुद कहा लअल्लकुम तत्तकून, कुतिब अलैकुम सियाम कमा कुतिब अला लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम, तो अल्लाह को फाके करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये फाका इसलिए है कि आपकी रूहानियत में इजाफ़ा हो जाए, आपकी दीदारी में इजाफ़ा हो जाए, आपके किरदार में इजाफ़ा हो जाए। और क्या, आपने ये उनसर जो है वो इस्लाम से ख़त्म हो गया, इसीलिए सारी मुसीबतें दीन के नाम के ऊपर अवाम पर लादी जा रही हैं।